Hey, what's up guys? Krish here. तो गाइस टाइटल और थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का वीडियो होने वाला है Redmi Note 9 Pro एंड Redmi Note 9 Pro Max के बीच में एक कंपैरिजन। तो गाइस आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन दोनों फोन्स में बेसिकली क्या क्या डिफरेंस है और इन दोनों फोन्स में आप लोगों को कौन सा फोन लेना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले इन दोनों ही फोन्स के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में, तो गाइस दोनों ही फोन्स में जो आपको बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन देखने को मिलता है वो एग्जैक्टली आपको सेम देखने को मिलता है। दोनों ही फोन्स में आपको जो डिजाइन है वो गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ आता है दोनों ही फोन्स। एंड दोनों ही फोन्स में जो डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है यानी पीछे के साइड का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल भी सेम है, यानी जो कैमरा का कटआउट है वो दोनों ही में ही आपको स्क्वायर शेप में सेम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन वाइज दोनों ही फोन्स एक हैं। हालांकि आप लोगों को ऑन पेपर तो ये लग रहा होगा कि ये दोनों ही फोन्स बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होंगे क्योंकि इन दोनों ही फोन्स में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, लेकिन गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, मैं टेक बार का वीडियो देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि फ़ोन कुछ इस हाइट से गिरा इस हाइट से और फ़ोन गिरते ही टूट गया। तो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट आप हो सके तो देख लीजिएगा दोनों ही फोन्स का, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा ये दोनों ही फोन्स ड्यूरेबल नहीं लगते। ओके, तो गाइज अगर हम लोग बात कर ले इन दोनों ही फोन्स का भी डिस्प्लेस के बारे में, तो गाइज डिस्प्ले हम लोगों को इन दोनों ही फोन्स में वही आप लोगों को सेम देखने को मिलता है, यानी गाइज इस दोनों ही फोन्स में आप लोगों को 6.67 इंचेस का एक फुल एचडी प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है। एंड दोनों ही फोन्स में आप लोगों को साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है। एंड दोनों ही जो फोन्स हैं उनमें आप लोगों को बीच में पंच होल डिस्प्ले देखने, मतलब पंच होल कैमरा देखने को मिलता है। दोनों ही फोन 60 हर्ट्ज के साथ आते हैं, कोई भी हायर रिफ्रेश रेट यहां पर नहीं है। तो डिस्प्ले भी इन दोनों ही फोन्स का एकदम सेम आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो अगर हम लोग बात कर ले इन दोनों ही फोन्स के परफॉर्मेंस के बारे में कि इन दोनों ही फोन्स में आप लोगों को कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं इन दोनों ही फोन्स में आप लोगों को सेम चिपसेट देखने को मिलता है। दोनों ही फोन्स में आप लोगों को क्वालकॉम बेस चिपसेट यानी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिलता है, जो कि एक लेटेस्ट प्रोसेसर है। लेकिन गाइस प्राइस डिफरेंस भी है, लेकिन हम लोग को सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो ये मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, लेकिन दोनों में ही आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है। ओके, तो अगर हम लोग बात कर ले इन दोनों ही फोन्स के कैमरास के बारे में, तो यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है इन दोनों ही फोन्स में वो इसके कैमरा में है। इधर आप लोगों को जो Redmi Note 9 Pro है उसमें आप लोगों को मिलता है 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, जो कि आप लोगों को मिलता है सैमसंग की तरफ से GM2 वाला सेंसर। एंड अगर बात कर ले हम लोग यहाँ पर Note 9 Pro Max के बारे में, तो इधर आप लोगों को 64 मेगापिक्सल का GW1 वाला सेंसर देखने को मिलता है सैमसंग की तरफ से। एंड बाकी के जो कैमराज है यानी पीछे की साइड में वो आपको सेम देखने को मिलता है। 8 मेगापिक्सल का आपको एक अल्ट्रा वाइड मिलता है, 5 मेगापिक्सल का आपको एक मैक्रो लेंस मिलता है, 2 मेगापिक्सल का आपको एक डेप्थ सेंसर मिलता है दोनों ही फोन्स में। अभी फ्रंट कैमरे के बारे में बात कर लेते हैं, तो फ्रंट कैमरा में भी आप लोग डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। Note 9 Pro में आप लोगों को देखने को मिलता है एक 16 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर, जबकि हम लोगों को Note 9 Pro Max में देखने को मिलता है एक 32 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर। तो गाइज यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर Redmi Note 9 Pro Max का, तो कैमरा में जो मेन डिफरेंस है, बाकी यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके, तो अगर हम लोग बात कर ले इन दोनों ही फोन्स के अभी बैटरी के बारे में, क्योंकि गाइस बैटरी भी इन दोनों ही फोन्स का सेम आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी 5020mAh का आप लोगों को इन दोनों ही फोन्स में बैटरी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर चार्जिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, यानी नोट 9 प्रो में आप लोगों को 18W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है बॉक्स में, जबकि आप लोगों को नोट 9 प्रो मैक्स में मिलता है एक 33W का फास्ट चार्जर। तो यहाँ पर चार्जिंग स्पीड में थोड़ा सा आप लोगों को, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको वर्ड देखने को मिलता है वहां पर 33W का। तो यही है, और दोनों में जो प्राइस डिफरेंस है वो भी बहुत ज्यादा है, और अभी GST की वजह से फोन का प्राइस इंक्रीज हो चुका है। लॉकडाउन कटने के बाद ही हम लोगों को ये दोनों फोन्स और भी ज्यादा महंगे देखने को मिलेंगे, 1-2 हज़ार या फिर 1.5 हज़ार कुछ महंगा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बस यही है, थोड़ा सा फोन महंगा हो जाएगा। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को लास्टली बताना चाहता हूँ वीडियो खत्म करने से पहले कि मेरे एक भाई है, आप लोगों को शायद से पता होगा, उनका एक चैनल है यूट्यूब में, इट्स केडी अनबॉक्स। तो उनका चैनल कल रात 9 बजे शायद से उस टाइम पे हैक हो चुका है। तो आप में से कोई भी अगर यूट्यूबर है, कोई भी कुछ हेल्प कर सकता है, कुछ जान पहचान हो, तो प्लीज़ उनको हेल्प कीजिए। मैं उनका चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, दैट्स प्रीटी मच फॉर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।